व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और रिएक्शन वीडियो हमारे मेन चैनल आरजी हियर पे। हमने रिएक्ट किया था टीजर पे दृश्यम 2 के, लेकिन अब रिएक्ट करने वाला हूँ मैं ट्रेलर पे, क्योंकि दृश्यम 2 का ट्रेलर आ गया है। दृश्यम 1 बहुत ही जबरदस्त मूवी थी और आपकी रिक्वेस्टेड वीडियोज पे हम रिएक्ट करते हैं रिएक्शन बाय आरजी, जो हमारा मेन रिएक्शन चैनल है उसके ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप कहीं पर भी जाके हमें रिक्वेस्ट कर सकते हो, हमारे किसी भी चैनल पर जाके कमेंट कर सकते हो, हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट सीधा सीधा दृश्यम 2 का ट्रेलर देखना, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेट्स सी व्हाट दे हैव गॉट फॉर अस इन दृश्यम 2। बहुत गंदा था ना ये, सीरियसली बहुत गंदा था, मुझे भी पता है। तो लेट्स जस्ट डू दिस। सच पेड़ के बीच की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ जाता है। इन्होंने वो लड़के की लाश गाड़ी थी पुलिस स्टेशन के अंदर जो बन रहा था। 7 साल हो गए, आज भी मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। विजय का केस वापस गर्म हो गया, पुलिस सॉलिड एक्शन में। अरे हर साल यही सुनते आया हो, पुलिस यहाँ खोद रही है वहाँ खोद रही है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। इट इज अबाउट द हैरासमेंट डन बाय द पुलिस। केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन, बेकार की अक्षय खन्ना भाई साहब में प्रॉब्लम में डाल सकते, कुछ भी हो डरना नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर है। कहीं आपने भाई को तो, आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। गेस करोगे? गेस के बारे में क्या क्या याद है? सब कुछ। मैं मेरा बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नहीं भूल सकता। भाई साहब ये इस बार थोड़ा लेवल ऊपर लेके जाने वाले लग रहे हैं मुझे, क्योंकि काफ़ी खतरनाक लग रहा सीन इस बार, क्योंकि अक्षय खन्ना इज बिन रोप्ड इन टू इन्वेस्टिगेट द थिंग्स। सर बात वहीं पे आके अटक जाती है, विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। यार पहली बार सुना होगा कि 7 साल कोई केस चला हो। एविडेंस है और वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन। वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। बहुत चालाक है, उसे सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं देना। दुश्मन को हराने का मौका अक्सर दुश्मन आपको खुद देता है। पूरे शहर में ये बात फैल रही है कि विजय बहू ने बॉडी वहीं छिपाई है। आज तक दिल और दिमाग के बीच मैंने हमेशा अपने दिमाग की सुनी, आज भी वही करूँगा। भाई साहब साला और सीन तकड़ा है, कि इस बार कहीं इनको लाश मिलेगी कि क्या सीन होगा वो देखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत नेक्स्ट लेवल है यार। मेरा नाम विजय सलगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है। भैया ये चीज हम कैसे भूल सकते हैं कि आपका नाम विजय सलगांवकर है, अजय देवगन जी। वन ऑफ माई मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट्स यार, मज़ा आएगा देख के, बिकॉज ऐसे क्राइम स्टोरीज जो होती हैं ना, मतलब बहुत फैसिनेटिंग होती हैं, एंड बहुत ही कमाल की एंडिंग थी, ओपन एंडिंग थी नो डाउट। एंड इस बार क्या केस सॉल्व होगा या नहीं होगा, ये क्यूरोसिटी ज़्यादा है, ये बचेंगे या नहीं बचेंगे इसकी क्यूरोसिटी नहीं है, लेकिन केस सॉल्व होगा कि नहीं होगा बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे, कमेंट में मेरे को बताना, और ट्रेलर कैसा लगा ये भी ज़रूर बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना मत भूलना भाई, बहुत ज़बरदस्त, नहायत ही ज़बरदस्त ट्रेलर हमने देखा है आज। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना मत भूलना, ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए रोज़ लेकर आता हूँ, तो आती रहेंगी।